मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा के घोटाले को लेकर छात्रों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। गुरुवार को सैकड़ों अभ्यर्थी रैली के रूप में इंदौर के कलेक्टोरेट पहुंचे और यहां पर धरना दिया। इस आंदोलन में कई कोचिंग क्लास संचालक भी मौजूद रहे। छात्रों के चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए जमकर नारेबाजी भी की। छात्रों ने चयन को दूषित मानते हुए दोबारा परीक्षा कराने और मामले की जांच की मांग की। दरअसल प्रदेश में हाल ही में पटवारी भर्ती परीक्षा के परिणाम आए हैं। इसमें चयनित टॉप 10 में से 7 पटवारी ग्वालियर के NRI कॉलेज के सेंटर से ही चुने गए हैं। इसे लेकर चयन सूची पर सवाल खड़े हो गए हैं। आंदोलनकारी छात्रों का कहना है कि चयन प्रक्रिया पारदर्शी नहीं रही। इंदौर से राजन सूर्यवंशी की रिपोर्ट। हमारा साथ देना चाहते हो तो जहाँ खड़े हो वहीं बैठना पड़ेगा। जो हमारे साथ है वो मेरे को आप सभी से निवेदन है, सभी विद्यार्थी मेरे को जहाँ पर भी जगह मिले। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।